हेलो फ्रेंड्स, रूपाली वेद किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही टेस्टी और स्वीट डिश आपके सामने लेके आई हूँ, गुलाब जामुन। फ्रेंड्स, मैंने गुलाब जामुन बहुत ही अलग तरीके से बनाए हैं। आप मेरी पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने गुलाब जामुन किस चीज से बनाए हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म होने रख दी है। अब मैंने एक कटोरी सूजी ली है। इसको मैं 2 मिनट तक भूनूंगी। फ्रेंड्स, हमारी 2 मिनट हो गए, हमारी सूजी हल्की सी ड्राई रोस्ट हो गई है। अब मैं इसमें हम 2.5 कटोरी दूध डालेंगे। एक कटोरी सूजी में हमें 2.5 कटोरी दूध ऐड करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब बिल्कुल आंच धीमी कर दें, नहीं तो सूजी बिल्कुल बहुत जल्दी गाढ़ी होने लग जाएगी। बिल्कुल मध्य आंच पे हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे कि बिल्कुल इसमें लम्स नहीं पड़े। फ्रेंड्स, देखिए हमारी सूजी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, चाशनी बनाने के लिए हम 2 कटोरी चीनी लेंगे। आप जितनी हम चीनी लेते हैं हम उतना ही पानी, आप 1 कटोरी चीनी लें तो आप 1 कटोरी पानी डालें। मैं 2 कटोरी चीनी ले रही हूँ तो 2 कटोरी इसमें पानी ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, जिस कटोरी से मैंने चीनी ली थी उसी कटोरी से मैं 2 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। हमें एकदम गाढ़ी चाशनी नहीं करनी है फ्रेंड्स, बस थोड़ी गाढ़ी हो, एकदम तार बने मत पूरा नहीं बने, इतनी हमें इसको पकानी है। अब हम इसको चाशनी को अच्छी तरह से पका लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी 5 मिनट से लगातार हमारी चाशनी पक रही है। देखिए बनके बिल्कुल तैयार है। हमें इतनी पतली चाहिए क्योंकि हमारे रसगुल्ले भी इसको रस पीते हैं इसका, तो इस बारे हमको थोड़ी चाशनी पतली रखनी चाहिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सूजी का डो बन के बिल्कुल ठंडा हो चुका है। देखिए मैं हाथ से छू पा रही हूँ। अब इसको हम 5 मिनट लगातार ऑयल या घी की सहायता से इसको अच्छी तरह से मसलेंगे। जैसे आप खोए को मसलते हैं ना, उसी प्रकार हमें सूजी को मसलना है। आप घी या ऑयल का किसी का उपयोग भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने घी का हाथ लगा लिया है। अब इसको हम 5 मिनट लगातार, जब तक बिल्कुल चिकना नहीं हो जाए, जब तक इसको ऐसे, देखिए फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ, हाथों को हथेली की सहायता से इसको ऐसे मसलना है जिससे बिल्कुल इसका बिल्कुल चिकना डो हो जाए। और देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इतना चिकना डो हो जाएगा कि ऐसा लगेगा जैसे ये खोआ ही है। आपको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा कि ये सूजी है कि खोआ है। बिल्कुल आपके खोए जैसे ही आपके गुलाब जामुन बनके तैयार होंगे। अब इसको मैं 5 मिनट लगातार हाथों की सहायता से मसल लेती हूँ। बोलो। देखिए फ्रेंड, 5 मिनट हो गए लगातार चलाते हुए, हमारा डो कितना अच्छा सेट हो चुका है। देखिए मैं दबा रही हूँ, मेरी उंगली घुस रही है, इसका मतलब बिल्कुल अच्छा और एकदम परफेक्ट हमारा डो तैयार हुआ है। अब ये हम छोटी लोई लेंगे। आप गुलाब जामुन छोटे बड़े किसी भी आकार के कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है। फ्रेंड्स, मैं एक लोई लूंगी, उसको हल्का सा फैलाऊंगी और मैंने कुछ इसमें काजू ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। आप इसको अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। मैं 2-3 काजू लूंगी और इसके अंदर इसको रख दूंगी। आप चाहें तो इसमें बादाम, पिस्ता कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इससे गुलाब जामुन का टेस्ट और भी बढ़ के आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना बड़ा किया है, आप चाहें तो इससे और भी बड़ा कर सकते हैं या आपसे छोटा कर सकते हैं। आप गोल भी बनाइए, आप चाहें तो थोड़ा लंबा भी इसको शेप दे सकते हैं। ऐसे भी गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं सारे गुलाब जामुन बनके तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको डीप फ्राई करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस पे घी गरम होने रख दिया था। हमारा घी गरम हो चुका है। आप चाहें तो
रिफाइंड में या घी में किसी में बना सकते हैं, मगर आप सरसों का तेल उपयोग ना करें। अब मैंने जो बॉल्स तैयार करी थी गुलाब जामुन की, अब इसको मैं डीप फ्राई होने डाल दूंगी। आंच बिल्कुल धीमी रखें फ्रेंड्स, बिल्कुल तेज नहीं करें, ये तुम्हारे ऊपर से गुलाब जामुन सिक जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। और 2 मिनट तक इसको बिल्कुल हिलाए नहीं और धीमी धीमी आंच पे इसको पकने दें। अब 2 मिनट तक हमें इस तरह से इसको हिलाना है, पलटा बिल्कुल नहीं लगाना, ये तो हमारे गुलाब जामुन फूट जाएंगे। ऐसे इस तरह से मैं स्टेप बता रही हूँ, देखो इस तरह से हमको हिलाना है, हमारे अपने गुलाब जामुन सेक लेने हैं। अब धीमी आंच पे मैं इनको सिकने देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारे गुलाब जामुन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट सिक चुके हैं, इससे ज्यादा नहीं सीखे। और बिल्कुल देखिए फ्रेंड, मैं पलटे का बिल्कुल सहारा नहीं दे रही हूँ, चम्मच से मैं इसको हिला रही हूँ, या फिर आप कढ़ाई को इस तरह से हिलाइए पलटे से, हमारे गुलाब जामुन फटने का डर रहता है। अब हमारे गुलाब जामुन सिक चुके हैं, अब मैं इनको 1 बाय 1 निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स एक टिप जरूर दूंगी, आप गुलाब जामुन को सेकने के बाद तुरंत चाशनी में नहीं डालें, थोड़ी देर ठंडे होने के बाद चाशनी में डालें। अब मैं सारी बॉल्स को बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सूजी के गुलाब जामुन अपनी चाशनी में डाल दिए हैं। अब करीब इसको 2 घंटे के लिए इस चाशनी में हम डाले रखेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारे गुलाब जामुन कैसे बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सूजी के गुलाब जामुन बनके बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं कि मैं हाथ में उठा रही हूँ घुल रहे हैं, इतने सॉफ्ट हमारे सूजी के गुलाब जामुन बने हैं। अगर आप किसी को नहीं बताएं तो आपको किसी को यकीन नहीं होगा कि ये खोए से नहीं बने हैं और सूजी से बने हैं। आप घर के सामानों से ही बहुत अच्छी डिश बनके तैयार कर सकते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आने ही वाला है, आप इस रेसिपी को घर में ही बहुत इजीली तरीके से ट्राई कर सकते हैं। आई एम श्योर जिस प्रकार मैंने बनाया है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। थैंक यू।